सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ नोटिफिकेशन के लिए। हेलो, आई एम डॉक्टर चेष्टा गौतम और आज हम इस वीडियो में कोरोना वायरस के बारे में जानेंगे। कोरोना वायरस एक सिंगल वायरस नहीं है, तो इसके लिए मोर अप्रोप्रिएट वर्ड या शब्द जो होगा वो कोरोना विरिडियाए होगा। चाइना के वुहान सिटी से प्राप्त न्यू कोरोना वायरस 2019 नोवेल कोरोना वायरस के बारे में भी आज हम जानेंगे। नोवेल का अर्थ होता है न्यू या ब्रांड न्यू। कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, इसलिए सबसे पहले हम आरएनए वायरस का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो आरएनए वायरस दो तरह के होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड में भी पॉजिटिव सेंस आरएनए और नेगेटिव सेंस आरएनए होता है। पॉजिटिव सेंस आरएनए एमआरएनए होता है और नेगेटिव सेंस आरएनए आरएनए होता है। तो जो होस्ट सेल होती है, जब ये वायरस होस्ट सेल पर हमला करते हैं तो होस्ट सेल का जो राइबोसोम होता है वो केवल एमआरएनए को रीड कर पाता है। तो पॉजिटिव सेंस आरएनए जो होता है वो अपने आप में एमआरएनए है, तो उससे तो राइबोसोम आसानी से रीड कर सकता है। लेकिन जो नेगेटिव सेंस आरएनए होता है वो आरएनए होता है, वो एमआरएनए तो नहीं होता। तो इसके लिए एक एंजाइम होता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये एंजाइम इस आरएनए को एमआरएनए में परिवर्तित कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे राइबोसोम उसे रीड कर पाता है। तो एक चीज़ पता चलती है कि पॉजिटिव सेंस आरएनए जो होता है वो एमआरएनए होता है अपने आप में, लेकिन नेगेटिव सेंस आरएनए जो होता है वो आरएनए होता है। आपको कोरोना वायरस दिख रहा है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, लीनियर है और पॉजिटिव सेंस का वायरस है। तो पॉजिटिव सेंस है मतलब ये एमआरएनए है, ये आरएनए है, ये हेलिकल शेप की कैप्सिड है, हेलिकल इस तरह होता है, ये एनवलॉप है। अब ह्यूमन कोरोना विरिडियाई की बात करते हैं, तो 1960 में 229E OC43 इन दो कोरोना वायरस की खोज हुई जो कि कॉमन कोल्ड करते हैं। सार्स कोरोना वायरस, CO फॉर कोरोना, V फॉर वायरस, ये 2003 में खोजा गया और ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। 2004 में HCOV कोरोना वायरस NL63 जो कि ब्रोंकियोलाइटिस करता है, इसकी खोज हुई। ब्रोंकियोलाइटिस क्या होता है, लंग्स की जो छोटे छोटे एयरवेज हैं, ब्रोंकियोल्स है, उनकी इन्फ्लामेशन है, उनका इन्फेक्शन है। HKU1 या हांगकॉन्ग, एच के से हांगकॉन्ग या फिर इसे ह्यूमन भी पढ़ते हैं। तो 2005 में इसकी खोज हुई, ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ करता है। मार्स कोरोना वायरस, ये 2012 में इसकी खोज हुई, ये मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है जो कि कैमल फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। और अभी हाल ही में जो चाइना के वुहान सिटी से जो हमें न्यू खोज हुई है 2019 एन कोरोना वायरस या 2019 एन कोरोना वायरस, तो एन इसमें नोवेल के लिए, नोवेल का मतलब होता है नया। वुहान कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस, वुहान कोरोना वायरस, वुहान सी फूड मार्केट न्यूमोनिया वायरस और 2019 एन कोरोना वायरस, ये सभी इसके सिनोनेम्स हैं। पहला केस जो मिला वो 31 दिसंबर 2019 को मिला। चाइना के वुहान क्षेत्र का जो सी फूड मार्केट है या एनिमल मार्केट है, सबसे पहले देखा गया है कि वहाँ के लोगों को सबसे पहले वहाँ पर आउटब्रेक देखा गया है या प्रकोप देखा गया है डिजीज़ का। तो इससे ये पता चलता है कि ये इन्फेक्शन एनिमल से ह्यूमन में फैलता है। और कई लोग ऐसे मिले हैं जो कि इन एरिया के संपर्क में नहीं आए, लेकिन फिर भी उनको ये इन्फेक्शन हो गया। तो इससे ये भी पता चलता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन भी इसका इन्फेक्शन फैलता है। ये एकदम न्यू डिस्कवरी होने के कारण, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी न होने के कारण, इसके ट्रीटमेंट के बारे में कोई भी अभी तक जानकारी नहीं है। इस कारण से जिस डिजीज़ का हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए उसके प्रिवेंशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पेशेंट की अगर सीवियर स्थिति है तो यहाँ पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसके वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लीवर, लंग्स, इनको बचाने का प्रयास किया जाएगा, इनके फंक्शन को बचाने का प्रयास किया जाएगा। प्रिवेंशन के लिए हाइजीन मेंटेन करनी है, तो हैंड्स वॉश करने हैं सोप से तथा वाटर से, और हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। खांसते समय मुँह को ढकें या टिश्यू पेपर से का यूज़ करें और उस टिश्यू पेपर को तुरंत फेंक कर हाथ धो लें। ऐसे पर्सन से दूर रहें जिसको फीवर और कफ है।
अगर आपको फीवर, कफ और सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर के पास जाएं और अपनी प्रीवियस हिस्ट्री बताएं कि आपने कहां पर ट्रैवल किया था। इस वायरस के प्रकोप क्षेत्र में अगर आप विजिट कर रहे हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं तथा एनिमल के संपर्क में ना आए और जहां पर भी एनिमल का संपर्क हुआ ऐसी सरफेस से दूर रहें। अनकुक्ड या बिना पकाए हुए एनिमल प्रोडक्ट का प्रयोग न करें, रॉ मीट यानी कच्ची मीट का प्रयोग भी न करें और मिल्क और उससे बने हुए पदार्थ, दूध का प्रयोग, इनका प्रयोग न करें। अभी इसका प्रकोप केवल चाइना में है।